तो दोस्तों हमारा सेटअप लग गया है, ये रूपा है यूरोपियन जैसी और ये हमारा सब चेयर है, मेरी चेयर है उधर रूपा के बाजू में और रूपा की है, ये पलास की है, ये दारा की है। देखो पलास और दारा ने शुरू कर दिया एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों फिर एक बार मैं हाजिर हूँ आपकी अपनी चैनल फैमिली लाइफ एंड फन। मैंने बोला था कि जब जब ऐसा कोई ओकेशन के ऐसा कोई थिंक होगा कि ऐसा कुछ हम करेंगे तो एक ब्लॉग बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। लास्ट कुछ वीडियो से बहुत बहुत प्यार मिल रहा है आप दोस्तों का, मेरी बहनों का, मेरी माताओं का और अच्छी अच्छी कॉमेंट्स भी दे रहे हो आप लोग, तो उसके लिए पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं एक्चुअली आपका पंड्या फैमिली जा रहा है बीच में। मैंने बहुत ब्लॉग पहले एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि मेरे घर से सिर्फ 2 माइल से 3 किलोमीटर दूर बहुत प्यारा सा बीच है और एकदम क्लीन और जैसे अपना खुद का बीच हो ना ऐसा लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती ये बीच पर। तो हम आज पूरा फैमिली जा रहे हैं, तो देखो हम रेडी हो गए, मैं आपको दिखाऊं, लग गया है गाड़ी में और घर से ही बीच के जो कपड़े हमने पहन लिए हैं, ये रूपा बैठ गई है आगे और पीछे पलास एंड दारा, हाय दारा, बैठ गई है। हमने पूरा इंतज़ाम कर लिया है बीच पे, देखो मैं दिखाऊं आपको। हाँ देखो ये टंक में हमने ये 4 चेयर ली है, 1, 2, 3 एंड 4, एक एकदम लंबा होने की है। एक कूलर ले लिया है, उसके अंदर कुछ जूस लिया है, बच्चों का नाश्ता, पानी की बोतल ली है, बर्फ़ डाल के एकदम ठंडा किया है। ये बच्चों का खेलने का हमने कुछ जो बीच पे खेलते हैं सैंड में, जो रेती में खेलते हैं, उसके कुछ खिलौने लिए हैं। तो अब निकल पड़ते हैं, आपको दिखाते हैं बीच, चलिए फिर करते हैं एंजॉय आपके साथ, आपके फैमिली के साथ, मींस हमारा फैमिली आपका ही फैमिली है। चलो दोस्तों फिर देखिए दोस्तों हम निकल पड़े, ये अपना नेबरहुड जो हमारा पड़ोसी बोलते हैं ना इंडिया में, अड़ोस पड़ोस, ये है हमारी सोसाइटी और ऐसा हमारा एग्जिट एंट्रेंस का रोड है। और मैंने बोला ना कि ओशन जो समुद्र है वो अपने से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, तो गाड़ी में तो हम सिर्फ 4 मिनट में ही पहुंच जाते हैं। अगर सिग्नल बीच में आते हैं जैसे अभी आया है तो 5 मिनट होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रूपा पंड्या, ये फैमिली लाइफ एंड फन में। देखिए आज हम जा रहे हैं बीच पे विद फैमिली, तो ये बीच के नजदीक का ही रास्ता है, तो ये बीच के आसपास जो घर है ये देखिए देखिए एकदम यूनिक टाइप के है हाउस। ये मेल मैन है, देखिए मेल डाल के वो गया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक, पोस्टमैन ऐसे पोस्ट डालता है। देखो हर एक घर के बाहर ऐसा मेल बॉक्स होता है, वहीं पे वो लोग मेल डाल के दे आते हैं। यहाँ पे सब लोग अपनी बोट भी लेके आते हैं, कई लोग जेट स्की भी चलाते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी बोट लाके। और बीच के ऊपर अपना घर से सारे बहुत सारे लोग अपना टेंट लेके भी टेंट लेके आते हैं, चेयर लेके आते हैं, बैठते हैं, बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। और
देखिए ये आ गए हम लोग, यहाँ पे पार्किंग भी है गाड़ी का, तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क करके अंदर जाके सब प्रिपेयर करेंगे बैठने का। चले मिलते हैं। और ये हम हैं। हल्की गए हैं बच्चे के साथ, बच्चों लोगों को मजे कराने अंदर ओशन में। काफी लोग आए हैं यहाँ पे अपने फैमिली के साथ बीच पे। और मैं यहाँ पे हूँ, हल्के से गए हैं बच्चे लोगों के साथ फन करने के लिए, और दोनों बच्चे काफी एंजॉय कर रहे हैं। देखिए सर, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। अब रूपा का टाइम हो गया, अंदर जा रही है रूपा बच्चों के साथ। वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएगी, उसको पानी से इतना नहीं पर थोड़ा डर लगता है, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता। मुझे भी नहीं आता ऐसा, तो मैं थोड़ा बहुत तैर लेता हूँ पर इतना नहीं तैरता हूँ। हर्ष जो है मेरा बड़ा बेटा, वो अच्छा स्विमर है, इज वेरी गुड स्विमर। मैं थोड़ा अंदर जाके आया, बच्चों के साथ थोड़ा धमाल मस्ती किया। अब थोड़ा बैठूंगा, जूस वूस पीऊँगा, पानी वानी पीऊँगा। गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, 90 के करीबन है गर्मी अभी, तो देखते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद फिर अंदर जाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये अमेरिका का लाइफ है। आज फ्राइडे है, फिर भी बहुत से लोग आए हैं नहाने के लिए। मीन्स गर्मी को दूर भगाने का ये तरीका है। यहाँ देखो रूपा भी बच्चों के साथ, और बहुत सारे लोग भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, पर इतने भी नहीं है जितने लोग और ओशन पे होते हैं। क्योंकि ये मैंने बोला ना, ये प्राइवेट बीचेस हैं, मीन्स प्राइवेट नहीं पर हमारा टाउन का है, तो ज़्यादा बाहर के लोग नहीं आते। हमारा टाउन बहुत अच्छा और क्वाइट है, तो टाउन के ही लोग आते हैं और बस ऐसे मजा मस्ती करते हैं। Ah!
धरा आंख में नहीं जाए, देखना मिट्टी आंख में नहीं जाए। देखो बच्चों को कितनी मजा आ रही है ना। बच्चों ने एक नया खेल इजहार के बच्चे इजहार क्या बोलते हैं इसको वो किया है, फाउंड किया है। यहाँ उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा किया और अभी वो गड्ढा ओशन के पानी से, दरिया समुद्र जो बोलो उसके पानी से दोनों भाई बहन भर रहे हैं। देखो ये क्या, ये देख के आपको अपना बचपन याद आ रहा है। कभी आपने ऐसा किया है? जिसने भी ऐसा किया है कमेंट्स में अपना नाम लिख के मुझे बोलो कि मैंने ऐसा किया है। एक बात बोलूं, मैंने तो पक्का किया है, तो मैं तो पहला मेरा ही कमेंट्स आएगा कि आई डिड इट, मैंने किया है। और ये वीडियो देखने वाले मेरे भाई बहनों, जिसने भी बचपन में ऐसी मस्ती की है अपना नाम लिखो कमेंट्स में, और वो मस्ती क्या और कहाँ की है वो भी मेरे को लिखो। सबको आपकी कमेंट्स पढ़ेंगे, सब लोग और भी फ्रेंड्स फैमिली पढ़ेंगे तो हैप्पी होंगे। इस जरिए से हम अपने बचपन में जाने का मौका मिलता है, अपने बचपन को याद करने का मौका मिलता है, राइट? तो दिल खोल के कमेंट्स करिए कि बचपन में ऐसी मस्ती, जरूरी नहीं है कि ऐसी ही मस्ती, पर ऐसी कुछ अलग हटके मस्ती की है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। देखो कितने खुश है ना बच्चे। देखो इसकी तो जैसे पूरी जागीर है। मैंने चने की दाल जो लाया हूँ मैं खाता हूँ अभी, वो डाली तो और भी सीगल आए खाने के लिए, पर ये बॉस है यहाँ का, ये मुन्ना भाई है यहाँ का। तो मुन्ना भाई ने चिची चिची करके सबको भगा दिया और बोला कि ये अपुन का ही ले आया, अपुन इधर हफ्ता लेगा। तो वो करके She's born here, but she's like from Kerala. Kerala, yeah. Yes, from India. Yeah. So, and I'm very good friends. Like Caitlin from Pennsylvania. Pennsylvania. Like, yeah, like next step, step from New Jersey. So, yes. Nice. Good. Nice to meet you. Nice to see you all. Are you guys from around, like, where are you leaving? दोस्तों यहाँ पे ये फैसिलिटी है यहाँ पे कि ओशन में सब फन करने के बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपने अपना बॉडी या अपने पैर या कुछ भी वॉश करना हो तो ये यहाँ पे पानी है, यहाँ से वॉश कर सकते हैं। ये शुद्ध पानी है, वो जो खारा पानी है ना ओशन का, वो नहीं है। या ये हमारे घर पे जैसे पानी आता है वैसे पानी यहाँ पे आता है, तो हम लोग अपना पैर और पूरा बॉडी भी वॉश कर सकते हैं। देखिए ओशन का पानी है, इसमें वॉश कर रहे हैं दारा पलाश अल्केश। ओशन में नहाने के बाद यहाँ पे फ्रेश होने के लिए आते हैं। ये देखिए पूरा जो सेंट लगा हुआ आता है तो वो निकल जाता है। तो दोस्तों हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं बीच से और हम घर की तरफ जा रहे हैं। बच्चे लोगों ने तो बहुत एंजॉय कर दिया है, देखिए वो लोग बैठ गए हैं पीछे और हम लोग ने भी एंजॉय कर दिया है और घर की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों हम बीच का एंटरटेन एंजॉयमेंट करके अब घर आ चुके हैं। हमने 3.5 घंटा बहुत मस्ती मजा किया, आपने देखा ही वीडियो में। तो ये देखो हम हमारे घर आ चुके हैं और
यहाँ का गैराज भी ऑटोमेटिक है। देखो मैं अभी गाड़ी में से ही अपना गैराज खोलूंगा। बोलिए 1, 2 और 3। देखो अपने आप खुलेगा, ये खुला तो हाँ। अब हम यहाँ यही हमारे वीडियो का एंड करते हैं। आप हमें कमेंट्स, लाइक एंड शेयर के माध्यम से बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। यहाँ हम आपको बाय बाय करते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय पल्ला से बाय बाय। दीदी तो उतर चुकी है, दारा तो उतर चुकी है। चलो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, नए ब्लॉग में, नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।